हे गाइस गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं फ्रॉन एंड कंकड़ा का कारी। गाइस हम फ्रॉन और कंकड़ा का कारी कैसे बनाएंगे आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो। और गाइस आज का क्वांटिटी है 200 kg दोनों मिला के। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। गाइस पहले आप और फ्रॉन एंड कंकड़ों को फ्राई करके थोड़ा सा रख लेना क्योंकि आगे जाके उस प्रोसेस में काम पे आएगा। गैस फैल आपको फ्रॉन को थोड़ा सा ऑयल और कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल के उसको रोस्ट कर लेना। ओके गैस आप इस वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद हम कंकड़ा को वही तरीके से करेंगे जैसे कि हम वही फ्रॉन को किए हैं। अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट होने के बाद कंकड़े को छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है क्योंकि वो मतलब जो कारी हो गया ना, कारी होने से थोड़ा सा मिक्सिंग होने से सही आएगा। उसको थोड़ा छोटा सा मतलब ग्राइंडिंग जैसे कर लेना है, मतलब उसको चूना कर लेना है। ओके इस वीडियो में आप देख सकते हो सारी चीज कैसे किया जा रहा है। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि कंकड़ा और जो फ्रॉन करी का प्रोसीजर आप इस वीडियो में देख सकते हो। और गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। पहले आपको थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल लेना है। ओके गाइस आप इस वीडियो में देखते रहना हर चीज कैसे किया जा रहा है। पहले हम ऑयल को थोड़ा सा हीट होने के लिए छोड़ ही देते हैं। देन उसके साथ साथ हम शुगर यूज करेंगे क्योंकि वो शानदार कलर लाने में मदद करेगा। देन उसके साथ साथ हम ऑनियन को यूज करेंगे। देन उसके साथ साथ टमाटो और थोड़ा सा शिमला का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस वगैरह और कुछ पेस्ट वगैरह यूज करेंगे। आप इस वीडियो के थ्रू हर चीज जान ही सकते हो। जैसे कि उसके साथ साथ हम कुछ सीड वगैरह यूज करेंगे जैसे कि सोयाबीन और दाल का
हम ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे जो कि नीड होता है हमारा प्रॉन और कंकड़ा करी के लिए। देन उसको थोड़ा सा रोस्ट होने के लिए हम छोड़ ही देते हैं। ओके, मतलब रोस्ट होने के बाद ही, सही तरीके से होने के बाद ही हम हमारे जो कंकड़ा और हमारे जो प्रॉन है उसको हम फ्राई करके रखे हैं उसको डालेंगे। ओके गाइस, गैस अब इस वीडियो में देख सकते हो हम हर चीज़ कैसे किए हैं और उसको हम थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेंगे। ओके गैस, आप इस वीडियो में देख सकते हो कितना शानदार दिखाई दे रहा है। देन हमारा सारा चीज होने के बाद हम वही हमारे करी के ऊपर थोड़ा सा सस वगैरह और चिली वगैरह और हमारे जो बादाम का जूस भी किए है उसको थोड़ा सा डाल लेंगे क्योंकि वो शानदार दिखने में मदद करेगा। हम अभी डालेंगे गोल मिर्च का पाउडर एंड उसके साथ साथ हम डालेंगे पुदीना। ओके, पुदीना पत्ते डालेंगे क्योंकि वो शानदार दिखने में मदद करेगा।